टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के न्यूज बुलेटिन का आगाज हम एक इंतहाई अहम खबर से करते हैं कि श्रीनगर को यूनेस्को की तख्लीकी शहरों की नेटवर्क 2021 की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। यानी अब श्रीनगर न सिर्फ दुनिया के उन 49 शहरों में से एक है जो अक्वामे मुत्तहिदा के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हुआ, बल्कि भारत का पहला शहर है जिसे ये एजाज मिला। बिलाशुबा ये खबर श्रीनगर के वासियों के लिए खुशखबरी की हैसियत रखती है। वेरी प्राउड मोमेंट। आप इस अचीवमेंट का इस चीज़ से कीजिए, इस पर बहुत मेहनत हुई है। यू नो सिंस अप्रैल ये साल नहीं 2018 में हमने इस पर स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर वी डिडंट सक्सीड, दिस ईयर वी सक्सीडेड। और बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है कि हमने कब शुरू किया, कैसे किया और कितनी मेहनत, बट इट इज़ अ वेरी यू नो सस्टेन्ड एफर्ट। वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन दिस। आज हमें बहुत खुशी मिली है कि आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से यूनेस्को में हमारा नाम दर्ज हुआ है, ख़ास करके शहर श्रीनगर के, जो कि हिंदुस्तान में पहली बार जो शहर यूनेस्को में आया है वो शहर श्रीनगर आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से, और ये कारीगरों के लिए बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके उधमपुर में खवातीन के लिए सिलाई और कढ़ाई की तरबियत की गर्ज से एक ट्रेनिंग कैंप का इंतजाम किया गया है। इलाके की खवातीन ने सरकार की इन कोशिशों को सराहा है। पहले हमें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो यहाँ पे हम मतलब अच्छे से सीख रहे हैं, और मतलब हमारी थ्योरी भी क्लास लग रही है और प्रैक्टिकली भी। ये जो ट्रेनिंग है ये 2.5 मंथ्स की है, और इस ट्रेनिंग के अंडर इनको इनको कटिंग से लेके पैकिंग तक का इनको सिखाया जाएगा, कैसे इनको कटिंग करनी है और पैकिंग तक का इनको सिखाया जाएगा। ठीक है,
तो इसमें इनको इनकी क्लासरूम भी होता है और इनकी लैब भी होती है, जिसमें इनको क्लासरूम में इनको पार्ट्स ऑफ जैसे हर एक पार्ट्स ऑफ मशीन्स के बारे में बताया जाता है, पार्ट्स ऑफ शर्ट्स के बारे में बताया जाता है, और इनको जो है प्रैक्टिकल लैब में इनका लैब होता है, उसमें मतलब इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें इनको कैसे कटिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, वो इनको सिखाया जाता है, वो इंडस्ट्रियल मशीन्स पे सिखाया जाता है इनको। तो ये जो प्रोग्राम है इसको जैसे इनका टोटल 2.5 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनको जो है प्लेसमेंट भी दी जाएगी। प्लेसमेंट ये हमारे ही यूनिट दिल्ली में भी कर सकते हैं काम, या फिर इनको लोकल जो है इनको प्लेसमेंट के लिए ऑफर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर और चिनार कॉर्प्स के माबेन एक मुआहदा तय पाया है, जिसके मुताबिक आर्मी कोर्सेज की पढ़ाई ऑनलाइन मुमकिन बनाई गई है। इस जिम्मे में 17 कोर्सेज शामिल किए गए हैं। इस मुआहदे के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसका अहवाल हम आपको दिखाते हैं। I'm sanguine that the University of Kashmir, with its rich heritage, culture and academia, will provide a one-of-its-kind opportunity for army personnel, and we have many civil defense employees of Chinar Corps to pursue higher education qualification, domain specialization and subject matter expertise. Acquiring additional education knowledge will empower our soldiers, as the Vice Chancellor Saab has said, who retire early in life to seek better opportunities in terms of career or business when they transform and transition to the civilian life, which happens very early for most of them. श्रीनगर के लाल चौक के मुकाम पर एक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मुनक्किद हुआ, जिसमें कश्मीर के अंदर हालिया तशद्दुद की लहर के दौरान हलाकतों पर दहशतगर्दों की शदीद मजम्मत की गई। इस एहतजाज को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिटी काउंसलर्स ने स्टेज किया था। श्रीनगर यूनिवर्सिटी में बरसगीर के नामवर शायर उलामा इकबाल की शायरी और फिक्र के हवाले से 2 रोजा सेमिनार का अहतमाम किया गया। उलामा इकबाल की 149वीं सालगिरह के हवाले से उनके फन और शख्सियत का जायजा लिया गया। उलामा इकबाल ने अपनी शायरी में भारत की अजमत का खुलकर एतराफ करते हुए लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है इकबाल ने शूट के तहत, तो उसमें यही मौजू है कि अल्लामा की फ़िक्र की क्या अहमियत है साइंस के लिहाज से, अदब के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से और बाकी जितने भी मुख्तलिफ उनवानात हो सकते हैं उनके लिहाज से अल्लामा इकबाल की अहमियत क्या है और उनकी फ़िक्र की क्या अहमियत और उसकी आज के ज़माने के साथ कौन सी मानवियत पैदा हो जाती है और हम कैसे मानवियत पैदा कर सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसे सेमिनार हो रहे हैं तो पहले से हो रहे हैं और इस पैंडेमिक के बाद आज बड़े टाइम के बाद ये सेमिनार हो रहा है तो हाँ बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। कितना ज़रूरी है इस तरह के सेमिनार सर ये के नाम पर होने चाहिए ताकि नौजवान पौध को ये पता चले कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो हैसियत थी वो क्या थी और कितनी खदमत उन्होंने इस काम के लिए। जी सर ये तो बहुत ज़रूरी है खासकर उर्दू अदब के लिए, तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी के साथ साथ उर्दू को भी काफ़ी तकवीत बख्शी है, तो ये आज की नौजवान जो नस्ल है इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो उर्दू और फारसी में जो मजमूए मुरत ये मजमूए जो उन्होंने कायम किए हैं तो जिन्होंने एक तहलका मचा दिया है उम्र के हवाले से, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो या नौजवान, तो हर एंगल से अल्लामा इकबाल ने जो है हर एक के लिए एक मैसेज रखी है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।